आज हम बनाएंगे मटर के छोले, जिसके लिए मैंने ये मटर जो है ले ली हुई है, बॉईल करी हुई है मटर। इसको बॉईल करने से पहले इसको 7 से 8 घंटे मैंने पानी में भिगो के रखा है पूरी रात, और सुबह मैंने इसको बॉईल करा है। उसमें बॉईल करते टाइम इसमें नमक और हल्दी ऐड करा हुआ है, और जब बॉईल करा इसमें पानी हमें उतना रखना है ताकि ये जो है ज़्यादा इसमें पानी ना हो। ये इमली का जो है, इमली का पेस्ट का पानी निकाला हुआ है ये। इसमें इमली जो है मैंने भिगो के रखी हुई थी, और इस भिगोने के बाद इसको हाथ से मैश करके इसको स्ट्रेन करके इसका पानी निकाला हुआ है। ये है हमारा धनिया और हरी मिर्च की चटनी। ये कटा हुआ टमाटर है एक बड़ा, ये एक बड़ा प्याज कटा हुआ, ये गरम मसाला पाउडर, ये थोड़ा नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये चाट मसाला और ये भुना हुआ ज़ीरा। इन मटर के छोलों में हमें बिल्कुल भी ऑयल की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें सबसे पहले अपनी हरी चटनी जो है बनाई थी हमने, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर, ये जो प्याज काटा था हमने, हम प्याज ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद ये थोड़ा सा, ये आधी चम्मच से कम जो है गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करेंगे। करीब आधा चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। आधे चम्मच से थोड़ा कम इसमें हम भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे। नमक हमने पहले डाला था इसके अंदर बॉईल करते हुए, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हरी मिर्च इसमें हमने 2 हरी मिर्च जो है वो पेस्ट में यूज़ करी थी, इसलिए हम हरी मिर्च भी थोड़ी कम ही यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें लास्ट में इमली का जो पानी हमने रेडी किया था उसको ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से पूरे चने को अच्छे से मिला लेंगे। ये मटर के छोले हमारे तैयार हैं। इसको थोड़ा सा हम गीला रखेंगे, क्योंकि अगर ये हम इसमें ज़्यादा थिक हो जाता है ठंडा होने के बाद में, तो इसको हम नॉर्मल इस तरीके से रखेंगे ताकि हम इसको कुलचे से आराम से खा सकें। अब हम अपना जो कुलचे हैं वो रेडीमेड कुलचे हैं मेरे पास, ये मैंने मार्केट से कुलचे खरीदे थे। अब हम इनको गर्म करेंगे। हम अपना तवा जो हमने गर्म कर लिया अच्छे से। अब हम इस कुलचे को तवे के ऊपर घी या बटर आप जो भी चाहे, मैं इसमें घी यूज़ कर रही हूँ, डालिए, और इस कुलचे को अच्छे तरीके से हमें इस पर सेकना है, अच्छे से घुमा के दोनों साइड से आप सेक लीजिए इसको। किसी स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से इस तरीके से दबा दबा के दोनों साइड से इसे अच्छी तरीके से सेकें। हमारा कुलचा जो है दोनों तरीके से अच्छी तरह से सिक चुका है। अब हम बनाएंगे छोले कुलचे के संग पीने के लिए छाछ, क्योंकि छाछ के बिना छोले कुलचे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ये करीब 1 कप मैंने छाछ ली हुई है, इसमें नमक ऐड करा बिल्कुल। थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, बस अब हम इसको मिलाएंगे। ये वैसी छाछ है जो बिल्कुल ठेल पे मिलती है छोले कुलचे के साथ। अब हम इसमें ग्लास में निकाल लेंगे इसको। अब हम इसमें थोड़ी सी बूंदी ऐड करेंगे। बूंदी ऐड कर लिया, हमारी छाछ तैयार हो गई है। हम इसे छोले कुलचे के साथ सर्व करेंगे। और ये हमारे छोले मटर कुलचे और छाछ जो है वो तैयार है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और अपने कमेंट भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें।